नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों से और मंत्रियों से सबक सीखना शुरू कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समाजवादी पार्टी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आरोप पे आरोप लगाते थे, आज उनके विधायक उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए खनन से पैसा कमाने की सोच रहे हैं। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप सरकार के जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने लगाया है। और ये घटना कहाँ की है? बुंदेलखंड में, एक बांदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की तिंदवारी विधानसभा से विधायक है ब्रजेश प्रजापति। उन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने भी इस बात की शुरुआत की थी कि खनिज अधिकारी को अपने सर्किट हाउस में बुलाया रात में और पहले उन पर दबाव बनाया, जब वो नहीं माने तो अपने गुर्गों के साथ, अपने प्रतिनिधि के साथ, विधायक प्रतिनिधि के साथ उनके साथ मारपीट की गई। और उनके इतने विवत्स आरोप हैं, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बुरी तरीके से मारा पीटा इसलिए गया क्योंकि मुझसे हर खान में, यानी कि एक एक पट्टा धारक से 25-25 लाख रुपए दिलवाने की बात कही जा रही थी। अब किस पर आरोप है, किन पर FIR दर्ज हुई, ये हम बताएं आपको। उससे पहले आप सुन लीजिए कि जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने क्या आरोप लगाए हैं विधायक पर। बुलवाए थे सर्किट हाउस में, हाँ, फिर उसके बाद में पहले भी बुलवाए कई बार कि जो पट्टे चले उसमें हमारा हिस्सा तय करा दो। मैंने असमर्थता व्यक्त की कि पट्टे धारक पैसा नहीं दे सकते हैं, मांगे घाट लिए हुए विधायक जी मेरे बस का नहीं है, तो बोले इनका काम न चलने दो, पट्टा रोको, गाड़ियाँ बंद करो, परेशान करो, मेरा हिस्सा देंगे। मैंने मना किया तो वो और उनके साथ 6 2 सशस्त्र थे, राइफल लिए थे, सटा दिए और अंदर से गेट बंद किए, मुझे मेरे कर्मचारी को बंधक बना दिया। उसके बाद में मात्रा इस पर कितने बजे घटना है? 8:30 बजे की। कहाँ बुलाया था आपको? सर्किट हाउस में। क्या बोले आपसे कि क्या कितना पैसा मांग रहे थे? तो वो 25 लाख रुपए महीना पर पट्टे मांग रहे थे। आपने मना कर दिया? मैंने मना कर दिया। फिर आपके साथ क्या मारपीट हुई? गनर ने क्या किया उनके साथ? जो प्राइवेट आदमी था, 2 सरकारी गनर खड़े थे और 6 अन्य लोग थे, उसमें एक लड़का नीरज पटेल है, वो भी आपकी सहायक करता, तो उसको भेजते थे खान अधिकारी के पास, जाओ मेरा तय कराओ, और मैंने मना कर दिया। वो विधायक जी और 4-5 और लोग और थे, 2 लोग राइफल लिए हुए थे, सटाए, बोले गेट बंद करो, इसका इसी कर्मचारी का फोन ले लो, और ले लिया मेरा, मेरे कर्मचारी का। तो मेरे साथ पहले विधायक जी मारे, उसके बाद उनके साथ साथ सारे लोग भी मारे। क्या नाम विधायक का? विधायक का नाम क्या है? श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, माननीय विधायक तिंदवारी। अभी आप DM से मिलने आए हैं क्या? आपने शिकायत की उनसे? DM सर ने निर्देश किया है कि FIR दर्ज कराएं। आपने एक सरकारी अधिकारी के आरोप गौर से सुने, उस सरकारी अधिकारी के आरोपों में स्पष्ट है कि विधायक के ऊपर सत्ता की हनक है, सत्ता का घमंड है। और इस आरोप में लाचारी भी दिख रही है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी किस तरीके से लाचार हैं सत्ता के सामने। आरोप ही हैं अभी, इसीलिए मैं किसी को दोषी साबित नहीं कर रहा, लेकिन इतना बता दूं कि वहां से किसी तरीके से निकलने के बाद, जब ये जिलाधिकारी बांदा के हीरालाल जी के आवास पर पहुंचे रात में, इन्होंने आप बीती बताई, तो जिलाधिकारी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिनमें विधायक ब्रजेश प्रजापति के ऊपर FIR दर्ज हुई है, उनके प्रतिनिधि नीरज पटेल के ऊपर FIR दर्ज हुई है, इसके अलावा 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। IPC की धाराओं 342, 353, 323, 504, 506, 147, 148, यानी कि जो इन धाराओं के जानकार हैं, उन सरकारी कार्य में बाधा डालना, गाली गलौच, बंधक बनाकर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, इन संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब वहां के लोकल प्रशासन की जो बात आती है, तो पहली जिम्मेदारी बनती है जिलाधिकारी की, तो जिलाधिकारी ने तुरंत आदेश दिए और उनके आदेश का पालन करते हुए SP के S आनंद द्वारा तुरंत इसमें संगीन धाराओं में मामले दर्ज करवाए गए। ये बात हो गई वहाँ के लोकल प्रशासन, SP और DM की। अब बात चूंकि बाहर तक निकल चुकी है और विधायक का मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान तक भी ये बात आ चुकी है, तो अब देखना ये होगा कि वहाँ के लोकल प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ता है या योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बात करते हैं कि हमारी सरकार स्वच्छ और साफ छवि के से काम कर रही है, उन विधायक पर कार्रवाई करते हैं। एक बात और हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये वही विधायक हैं जिन पर 3 महीने पहले वहाँ की तत्कालीन SP थी शालिनी, इन्हीं विधायक ने उन SP के ऊपर अपनी जान को खतरा बताया था और फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी। अब नेशनल जनमत का सवाल यही है कि आखिर बदलाव किन चीज़ों पर हुआ? क्या केवल भाषणबाजी में बदलाव हुआ? लंबे लंबे लक्षणदार भाषण देने में ही बदलाव हुआ? आखिर बदलाव हुआ क्या? क्योंकि
मैं खुद बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, बुंदेलखंड ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि जब खनन शुरू होता है तो वही ओवरलोडिंग दिखाई देती है, वही अवैध खनन दिखाई देता है, तो फिर आखिर बदलाव किन चीज़ों में हुआ? वही गुंडागर्दी सरकार की दिखाई देती है, विधायकों का वही रौब दिखाई देता है, सत्ता की वही हनक दिखाई देती है, तो आम आदमी तो वहीं का वहीं ठहरा। पहले समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, सरकारें बदलती रहती हैं, आम आदमियों के साथ बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता है। नेशनल जनमत के माध्यम से हम फिर से अपील करेंगे कि आप जागरूक रहिए, सजग रहिए, तभी वास्तव में इन सत्तानवीसों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप जागरूक और सजग नहीं रहे तो एक बार से फिर इस प्रकरण में होगा क्या कि जो वास्तव में अगर ईमानदार अधिकारी हैं तो उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का पत्र पकड़ा दिया जाएगा और विधायक के खिलाफ सिर्फ इतना कह दिया जाएगा कि जांच चल रही है, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। मैं नेशनल जनमत के माध्यम से अपील करता हूं योगी आदित्यनाथ से कि अगर आप अपनी सरकार को बेदाग और साक्ष स्वच्छ छवि का कहते हैं तो इनके आरोपों की, दोनों के आरोपों की ठीक से जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां जिला खनिज अधिकारी आरोप लगा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जब विधायक से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, इसका आरोप के लिए पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो जिनको मैं खनिज नहीं होने दे रहा हूं अवैध रूप से, तो जिला खनिज अधिकारी अवैध खनन करवाना चाहते हैं और खनन माफियाओं के इस आरोप पर झूल रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अब चूंकि आरोप दोनों तरफ से लगे हैं, पीड़ित पक्ष यहां पर जिला खनिज अधिकारी शैलेन सिंह है, उनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई है, FIR दर्ज भी हो गई है, तो इस मामले में अब आगे क्या होना है, निश्चित रूप से ये वहाँ के अधिकारी से ज़्यादा लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तय करेंगे। आप देखते रहिए नेशनल जनमत, इस मामले में क्या अपडेट हुआ, किन पर कार्रवाई हुई, कहीं आरोप लगाने वाले अधिकारी को ही तो नहीं नाप दिया गया, ये हम आपको बहुत जल्द ही बताएंगे। आप देखते रहिए नेशनल जनमत, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।